तो भाई एक और नया दिन, एक और नया फोन कंपैरिजन। मेरे नाम है श्रेयस और आप देख रहे हो गैजेट ब्रूड। और आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वन प्लस नॉट टू वर्सेज MI 10i का एक कंपैरिजन, एक क्विक कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे OnePlus Nord 2 versus MI 10i के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दोनों ही फोन्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे पीछे मुझे जो है दोनों की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन पर्सनली मैं दोनों ही फ़ोन अगर आपको हाथ में पकड़ के दिखाऊँ यहाँ पे, तो मुझे Mi 10i की जो है बिल्ड क्वालिटी वो मुझे ज़्यादा ड्यूरेबल लगती है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू OnePlus Nord 2। OnePlus Nord 2 की भी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है, पीछे अच्छे मटेरियल्स का यूज़ किया गया, बट Mi 10i में थोड़ा सा यहाँ पे फ्रॉस्ट फिनिश मिलती है जो कि यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम लगती है एज़ कम्पेयर टू OnePlus Nord 2। बट OnePlus Nord 2 की इनहैंड फील यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, पीछे दोनों आपको ग्लास मिलता है, तो ये दोनों की प्रीमियम है। बट मुझे Mi 10i की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बट इनहैंड कम्फर्टेबिलिटी, मतलब फ़ोन आपके हाथ में कितना कम्फर्टेबल फील होता है, वो यहाँ पे OnePlus Nord 2 फील होता है। तो दोनों के एस्पेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो डिस्प्ले आप यहाँ पे दोनों ही फोन्स की देख सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले मुझे यहाँ पे OnePlus Nord 2 की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें मिलती है आपको AMOLED डिस्प्ले और इसमें मिलती है आपको IPS डिस्प्ले। इसमें AMOLED डिस्प्ले मिलती है 90 हर्ट्ज की, इसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन IPS डिस्प्ले मिलती है, IPS LCD डिस्प्ले। जो हमारा जो OnePlus Nord 2 है वो उसमें 90 हर्ट्ज की आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है। स्मूथनेस ऑक्सीजन ओएस की वजह से काफ़ी है, लेकिन अब ये ऑक्सीजन ओएस जो है वो कलर ओएस बनता जा रहा है। थोड़े टाइम में जो है कलर ओएस अगर बन गया तो यहाँ पे स्मूथनेस जो है वो तो चली जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के हिसाब से 90 हर्ट्ज के हिसाब से बहुत स्मूथ डिस्प्ले है। और इसका जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर। तो परफॉर्मेंस में मैं यहाँ पे OnePlus Nord 2 को दूंगा यहाँ पे, और डिस्प्ले में भी इसी को दूंगा, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है इसमें मिलता है Mi 10i में यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर, जो कि मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन OnePlus Nord 2 के कंपैरिजन में यहाँ पे ये पीछे रह जाता है, क्योंकि इसमें जो है फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200, जो कि ज़्यादा स्मूथ फील होता है, बजाय कि 90 हर्ट्ज होने के बाद भी इसमें आपको जो है 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, उसके बाद भी जो है वो ज़्यादा स्मूथ लगता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वजह से, इसमें MIUI है, MIUI की वजह से जो है कम स्मूथ लगता है। तो डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में मैं जो है वो OnePlus Nord 2 को वोट दूंगा अपना। और बात करते हैं यहाँ पे अगर कैमरा और परफॉर्मेंस की, तो पीछे जो इसमें कैमरा मिलता है और जो इसमें, मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं यहाँ पे, इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो जो कैमरा की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे दोनों की ही बढ़िया है, दोनों के कैमराज यहाँ पे मुझे ठीक ठाक लगे। मेरे OnePlus Nord 2 में यहाँ पे जो है वो कुछ कैमरा के इश्यूज हैं, फोकसिंग लेवल जो है वो ठीक ठाक नहीं कर पाता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बनाई है, तो वो भी आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट वीडियो उसकी एक और आने वाली है इसके रिगार्डिंग, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस इश्यूज़ के बारे में, और क्या मैंने किया मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए स्टे ट्यून रहना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कैमरा में मुझे कुछ इश्यूज़ लगे हैं, तो मेरे हिसाब से इसका कैमरा यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। अगर मैं बात करूँगा दोनों ही फोन्स की यहाँ पे बैटरी की, तो बैटरी में यहाँ पे जो है Mi 10i यहाँ पे आगे निकलता है, उसमें लगभग 5000 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिलती है, और जो हमारा ये है OnePlus Nord 2 इसमें यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन चार्जिंग में यहाँ पे ये आगे निकलता है, क्योंकि इसमें 65W का चार्जर मिलता है, जबकि यहाँ पे जो हमारा जो Mi 10i है उसमें जो है आपको 33W का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर कंक्लूजन की कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन यहाँ पे लेना चाहिए, तो मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं यहाँ पे, मुझसे पूछते कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो है अगर आपको जो है 30,000 रुपये आप स्पेंड कर सकते हो, तो आप जो है OnePlus Nord 2 ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट जो है 20,000 के अंदर है, तो आप Mi 10i को भी कंसिडर कर सकते हो। दोनों में ही आपको जो है 5G बैंड्स मिलते हैं, लेकिन मेरा अगर आप ओपिनियन मांगो कि आप बताओ कि इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन लेना है, तो यूज़र टू यूज़र पर डिपेंड करता है। अगर आप जो है आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, ठीक है, और आपको जो है थोड़ा सा अच्छा कलर्स चाहिए,
डिफरेंट कलर का फोन चाहिए तो आप मी 10i को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई हैंडी फोन चाहिए, हाथ में थोड़ा छोटा लगना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, तो उस केस में आप जो है OnePlus Nord 2 ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा छोटा फोन चाहिए, ये थोड़ा बल्कि फोन है, ये थोड़ा हाथ में बल्कि लगता है मी 10i, और Nord 2 थोड़ा सा हाथ में कंफर्टेबल लगता है। ये बात जो है मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिखाई थी और अपने पेरेंट्स को भी दिखाई थी और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाई थी, उन्होंने भी यही बात मुझे बताई थी उनका ओपिनियन। अगर मैं बात करूँ, आप ऐसे यूज़र हो कि आपको जो है अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए अपने फ़ोन में, तो आप जो है OnePlus Nord 2 ले सकते हैं। उस केस में जो है मी 10i थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसी केस में अगर आपको थोड़ा सा अच्छा कैमरा और बैटरी वाला फ़ोन चाहिए तो आप मी 10i को कंसिडर कर सकते हो। एक वीडियो मेरा इसके बाद आने वाला है यहाँ पे OnePlus Nord 2 के इश्यूज़ के बारे में, मुझे दो इश्यूज आ रहे थे तो वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। मुझे कैमरा और ओवरहीटिंग का इसमें इशू आ रहा था, उसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और मैंने क्या किया उसके बाद OnePlus Nord 2 का मेरे पास था या नहीं था, तो वो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा यहाँ पे, तो उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेरे को कैमरा इशू आया है या कैसे आया, कैसे फिक्स हुआ है, जो भी है या फिक्स नहीं हुआ इशू वो, और ओवरहीटिंग का क्या इशू है। जैसे आपने सुना ही है एक OnePlus Nord 2 जो है ब्लास्ट हो गया, तो उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, वो वीडियो इसके बाद आएगा यहाँ पे, तो वो वीडियो आप देख लेना कैसे मैंने क्या किया इसके बाद। इस OnePlus Nord 2 का कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, आप जैसे यूज़र आप उस हिसाब से फ़ोन ले सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।